गाइज, हम अपने फेस का तो बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन अपने हाथों को बेचारों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम अपने हाथों को गोरा और सुंदर बनाने के लिए आज करने वाले बहुत ही बेहतरीन काम, जिससे हमारे हाथों की बरसों से जमी हुई मैल हो जाएगी दूर और हमारे हाथ बन जाएंगे गोरे और चमकदार। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो पहला प्रोसेस ये है दोस्तों कि आपको अपने नाखूनों की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है, यानी कि नेल पॉलिश को अच्छी तरह से हटा देना है। अब हमने नेल पॉलिश सारा हटा लिया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है गाइज, वो है हम लेंगे एक बोल, और बोल में हमने लिया है हल्का गर्म पानी, यानी कि गुनगुना पानी। और इस गुनगुने पानी में अब हम ऐड करने वाले हैं एक चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक हमारे हाथों को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा गाइज। और अब हम इसमें डालेंगे इनो। इनो हमारे हाथों को अच्छे से ब्लीच करेगा और ये हमारे हाथों की गंदगी को भी बाहर निकाल देगा। जैसे कि ये पेट की गंदगी को बाहर निकाल देता है, उसी तरह से ये हाथों की गंदगी को भी बाहर निकाल देगा। तो मैंने आधा पैकेट इसमें डाल दिया है इनो। और अब चलते हैं, देखते हैं कि अगला इंग्रेडिएंट क्या है। तो जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों नींबू। आधा नींबू लेना है हमें और इसको अच्छी तरह से इसमें निचोड़ देना है। और निचोड़ने के बाद हम अपने हाथों को इसमें करेंगे अच्छी तरह से डिप, और 5 मिनट के करीब अपने हाथों को इसमें अच्छी तरह से डुबोए रखेंगे ताकि जो भी आपकी गंदगी है वो बाहर निकल सके, जो डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए और आप जब भी स्क्रब करें तो डेड स्किन ईजली निकल जाए। इसलिए हम 5 मिनट के करीब इसको अच्छे से पानी में रखेंगे। अब अगला स्टेप है गाइज स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए हम लेंगे दही, और दही जो है वो ब्लीचिंग का काम करती है। दही बहुत ही खट्टी होनी चाहिए, खट्टी जितनी दही लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इसमें हम डालेंगे चॉकलेट पाउडर, जो भी आप कॉफ़ी बनाते हैं आप कॉफ़ी पाउडर इसमें डाल सकते हैं। तो और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब चीनी, और इन सभी चीज़ों को आप कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और इसको अपने हाथों पर स्क्रबिंग के लिए यूज करेंगे। और स्क्रबिंग कैसे करनी है वो भी आप देख लीजिए। स्क्रबिंग जो मैंने नींबू अभी निचोड़ा था वही नींबू है जो काफ़ी सॉफ्ट है और उसमें अभी रस भी बचे हुए हैं, तो उसी नींबू से मैं अपने हाथों पे स्क्रब करूँगी। तो उस नींबू से मैंने ले लिया स्क्रब को और अपने हाथों पर अच्छी तरह से इसको रगड़ रगड़ के अपने जो भी मैल हैं उनको निकालूंगी, जो भी डेड स्किन है वो बाहर निकालूंगी। और इसी तरह से आप भी अपने हाथों के डेड स्किन और गंदगी को हटा सकते। तो इस तरह से गाइज आपका जो चॉकलेट है वो आपके हाथों को काफ़ी गोरा बनाएगा, चीनी स्क्रबिंग का काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा आपका स्क्रब तैयार हो गया है, जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट्स ही यूज किए गए हैं। कोई भी बाहरी चीज़ों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर की चीज़ों से ही आप अपने हाथों को बहुत ही सुंदर और चमकदार बना सकती हैं। तो इस तरह से नींबू को आप अपने नाखूनों पे भी अच्छी तरह से लगाएं। अब हमने 2 से 3 मिनट के करीब रगड़ लिया है, स्क्रबिंग कर लिया है, और इसको हम उसी पानी में क्लीन कर रहे हैं, लिक्विड वाटर में इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से, एंड इसको टॉवल से ड्राई कर लेंगे। सी गाइज, अभी आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। हमारा अगला स्टेप है गाइज मॉइस्चराइजिंग। तो हम मॉइस्चराइजर के लिए यूज कर रहे हैं गाइज बोरो प्लस। बोरो प्लस एक एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, जो हमने इनो का यूज किया है उन सब चीज़ों का जो भी साइड इफेक्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ें रेसेज वगैरह आने का अगर कोई डर, तो ख़त्म हो जाएगा इस एंटीसेप्टिक क्रीम से। तो इसलिए एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करें, और ये बहुत ही स्टिकी होता है जो आपको लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चराइजिंग भी देता है।
तो आपके हाथ बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज्ड इससे हो जाते हैं। अगर बोरोप्लस नहीं है तो इसकी जगह आप वैसलीन या नारियल का तेल का भी यूज कर सकते हैं। अब ये लास्ट स्टेप है गाइज, अपने नाखूनों को सुंदर दिखाने के लिए नेल पेंट हम यूज करेंगे। तो जो भी आपके पास नेल पेंट हो आप यूज कर सकते हैं अपने नाखूनों को सुंदर दिखाने के लिए। सी गाइज डिफरेंसेज, आप पहले के हाथ का देखिए और अभी का देखिए, जिसमें मैंने प्रोसेस किया है और जिसमें नहीं किया है, आपको अंतर ज़रूर दिखाई देगा दोनों में। तो इस तरह से अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके हाथ बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिए और इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया साइट्स पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हैट्स ऑफ यू, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर।